दोस्तों, आज आपके दस्तरखान पे बड़ी ही मोहब्बत से परोसे जाने वाला डिश जिसका नाम है रेड स्नैपर फिश। आइए इसे अब हम मैरिनेट करते हैं, जिसके लिए हमने 2 चम्मच नमक लिया है और इसे हम स्प्रिंकल कर देंगे और बढ़िया तरीके से इसे हर तरफ हम लगाएंगे ताकि हमारे नमक का जायका हर हिस्से में अच्छे से पहुंच जाए और हमारी फिश का स्वाद बढ़ जाए। क्यों दोस्तों, देखने में लग रही है ना मजेदार? इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं एक और काम। ये रही अपनी फिश। फिश बोले तो मच्छी। क्या भाई लोग, अभी अपनी मच्छी को उठा लेने का, मस्त इस कॉटन के कपड़े में रखने का और इसके साथ क्या करने का, इसे मस्त लपेटने का, किचन में आजू में बाजू में जहां भी जगह मिले 2 घंटे के लिए टांग देने का। दो घंटे टांगने से हमारी फिश का मॉइस्चर काफी हद तक निकल जाता है। मॉइस्चर निकलने का क्या फायदा होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए मैरिनेशन की तैयारी करें, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स लिया है, 2 चम्मच क्रश की हुई खड़ी धनिया, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच फूड कलर, क्रश की हुई 3 हरी मिर्च, आप और तीखा चाहें तो इसकी जगह 4 से 5 मिर्च कर सकते हैं, 1/3 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 चुटकी हल्दी, 1/3 कप इमली का पानी। इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे मसालों का फ्लेवर आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये रही हमारी आम फिश, जिसपे अब हम मसाला लगाएंगे। मसाला हम अच्छी तरीके से लगाएंगे, इसके कट्स में भी मसाले भर देंगे। मसाला लगने के बाद यार ये तो बवाल दिख रही है। अभी कुछ नहीं करना है, 1/2 घंटे के लिए इसको साइड में रखकर घड़ी देखना है। तेल हमारा गरम हो गया है, तेल को हमने हाई फ्लेम पे रखा है। डीप फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया है। मैंने हाई हीट पे अपना फिश डाला था। अभी हम अपने गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम घुमा लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। पाँच से 6 मिनट हो गए हैं, हमारी फिश अच्छे से पक गई है। डीप फ्राई करने की वजह से ऊपर से और नीचे से हमारी फिश अच्छे से पक गई है। इसमें जो तेल का इस्तेमाल हुआ है, ये तेल का इस्तेमाल हम दूसरी भी फिश की डिश बनाने में करेंगे। ये देखिए हमारी मसालेदार धमाकेदार चटपटी सी फिश तैयार है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ये फिश बाहर से क्रिस्पी बनी है और इसका टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन है। ये देखिए हमारी फिश अंदर से कितनी रूखी बनी है।
ये फायदा होता है फिश में से मॉइस्चर निकाल देने का, जो हमने शुरुआत में ही कर दिया था। आप ये वीडियोस भी जरूर देखिएगा, काफी बेहतरीन रेसिपीज है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएंगे। सीखते रहिए, बनाते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।